हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में वाराणसी के। और हम आज आप लोग को दिखाएंगे अस्सी घाट से एक दूसरे घाट से, मतलब सारे घाट का संपर्क टूट चुका है। बारिश का टाइम है, बाढ़ आ गया है, एक घाट से दूसरे घाट पे जाने के लिए थोड़ा दिक्कत है। तभी मैं आप लोग को दिखाऊँगा, वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बने रहें। घाटों की क्या स्थिति है वर्तमान में, आज है 6 अगस्त संडे का दिन। अस्सी घाट सामने, संत रविदास पार्क इधर, आगे जाके बाएं मुड़ना है तुलसी मानस मंदिर, दाहिने साइड है थोड़ा सा आगे, और हम चलेंगे अस्सी घाट पे। ये यहाँ का थोड़ा सा मार्केट है जो सब्जी और फल फ्रूट, बगल में और भी दुकानें हैं। और ये है अस्सी चौराहा जो लिखा हुआ है सामने का, अस्सी चौराहा तो एक सीधा चला जाएगा और हमको इधर आना है अस्सी घाट जाने के लिए, तो अभी हम चल रहे हैं। और ये अभी हम अस्सी घाट के करीब में आ चुके हैं। अगर आप आते हैं रिक्शे से तो आपको पूरा अस्सी घाट जो है वहाँ मेन गेट पे रिक्शा आ जाएगा। संडे वगैरह के दिन थोड़ा क्लाउड ज़्यादा रहता है, ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, इसके लिए थोड़ा कुछ दूर तक पैदल चलना भी पड़ सकता है। ये देखिए जैसे आगे गाड़ी जाम हो गया है। और यहाँ पर इस रोड पर ना, अस्सी घाट वाले रोड पर यहाँ पर आएंगे तो अलग अलग फ्लेवर वाले पानी पूरी के ठेले मिल जाएंगे, जो कि जितना पानी पूरी रहेगा 8 मिलता है अभी इसका, 8 अलग अलग फ्लेवर कराएगा। नींबू पानी, पुदीना पानी, इमली पानी वगैरह वगैरह, मतलब 8 फ्लेवर कराएगा। यहाँ पे 4-व्हीलर का और 2-व्हीलर का पार्किंग भी है। अगर बाइक से आते हैं तो इधर मेन अस्सी घाट का जो गेट है उसके बगल में है पार्किंग, पास में ही आ सकते हैं। और इधर ये पानी पूरी, नारियल पानी, सिकंजी वगैरह, भुट्टा, स्ट्रीट फूड, मतलब हर चीज़ मिल जाएगा नाश्ते के लिए। रोड से यहाँ नीचे उतरेंगे मेन गेट से तो ये देख सकते हैं संडे का नज़ारा। आज के दिन कितना भीड़ है, मतलब संडे को हमेशा यहाँ पे भीड़ ही रहता है। और आप अंदर आते हैं तो पहला ये सुबह है बनारस, जहाँ पे सुबह यहाँ गंगा आरती भी होता है और यहाँ पे योगा का कार्यक्रम भी होता है। योगा होता है यहाँ सुबह है बनारस, ये देखिए यहाँ पे। और इधर घाट के अंदर भी यहाँ पे सिकंजी वगैरह, भुट्टा, मैगी, हर चीज़ आपको नाश्ते के लिए मिल जाएगा। देखिए पूरा इधर लगा हुआ है और पानी तो इतना बढ़ चुका है कि आप लोग देखेंगे तो पूरा सीढ़ी डूब चुका है। ये देखिए, ये देखिए पूरा सीढ़ी जहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है वहाँ तक पानी आ चुका है। आगे नाव लगाया गया हुआ है, नाव चलना अभी बंद हो गया है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो गया, बहाव तेज़ हो गया है। और ये है यहाँ का नज़ारा, ये देख सकते हैं सामने खिलौने वगैरह, मैगी, पानी पूड़ी, सेव पूड़ी, भेल पूड़ी, ये सब का स्टॉल लगा हुआ है। ये जितना खाली एरिया है, बहुत ही मतलब ज़्यादा भीड़ है आज के दिन। और यहाँ पे गंगा आरती की तैयारी हो रही है, मतलब 7 बजे शाम को भी होता है और सुबह में 5 बजे होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर शाम को 7 बजे गंगा आरती होगा, पहले नहीं होता था, अभी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। पहले सिर्फ दशाश्वमेध घाट पे होता था शाम को और यहाँ पे सुबह में होता था, लेकिन अभी यहाँ पे शाम को भी स्टार्ट हो गया है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ तक पानी आ चुका है, पहले नीचे उधर मिट्टी था, सीढ़ी नहीं था, फिर भी वहाँ पे कम से कम नाव जहाँ तक है उसके और आगे तक हम लोग जाते थे, इधर सब पूरा डूब चुका है। ये देखिए ये देखिए, एक भाई साहब आनंद ले रहे हैं पानी में, हुए हुए हैं, और बोटिंग करना अभी बंद हो चुका है। मतलब अभी ऐसा हालात हो गया है कि एक घाट से दूसरे घाट पे नहीं जा सकते हैं। पहले हम लोग घाट के किनारे किनारे यहाँ से दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट तक चले जाते थे, लेकिन अभी एक घाट से दूसरे घाट तक नहीं जा सकते हैं, बगल वाले घाट पर भी नहीं जा सकते हैं, इतना पानी भरा हुआ है। ये देखिए, और आगे उधर रेता कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम वहाँ पेड़ जहाँ है वहाँ तक पानी चला गया है।
वहाँ थोड़ा सीढ़ी से उतर के आगे जाकर सेल्फी ले रहे हैं ना, थोड़ा सा वो बना है बैठने के लिए। आगे देखिए कितना यहाँ पे देखिए, सीढ़ियों पे बैठकर सारे लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। अस्सी घाट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आरती होता है। ये आरती देखने के लिए यहाँ पे लोग अभी से बैठे हुए हैं। देखिए छोटा छोटा टेबल लगा हुआ है, उसी पे होता है आरती। ऊपर सीढ़ियों पर देखिए अस्सी घाट लिखा हुआ है, सारे लोग बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे एक नक्शा बनाया गया हुआ है, ड्राइंग लोहे के परत पे, मतलब जो वाराणसी के कल्चर यानी घाट है जितने, वो सारे घाट्स के नक्शा बनाया गया हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। अभी अस्सी घाट से कहीं आगे और नहीं जा सकते हैं, देखिए इसके आगे आप लोग नहीं जा सकते हैं, इतना पानी है, मतलब आगे जाने के लिए जगह नहीं है। ये सजाया जा रहा है, चाय भी गंगा आरती वाला है। ये गंगा आरती वाला है, सजाया जा रहा है। इसमें घी डाल के, बत्ती डाल के शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा। ये लिखा हुआ है क्या, कल्चर इंटरेशन। ये पूरे वाराणसी के घाट के बारे में लिखा गया है और उसका ड्राइंग बनाया गया है। और पानी देखिए कहाँ तक आया हुआ है, यहाँ तक पानी आया हुआ है। इतना ऊपर कोई रहता नहीं था गर्मियों के दिन में, ये पेड़ों के नीचे बस रहते थे लोग, नहीं तो सारे लोग नीचे रहते थे। अभी इतना पानी हो गया है कि सबको इधर आना है। यहाँ पे लकड़ी के खड़ाव मिल रहे हैं, देखिए ये कुमेश है, ये पुष्प है और बत्ती है। गंगा जी में आप लोग जला के वो करते हैं पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए। यहाँ पे लकड़ी के पाद का मतलब क्या बोलते हैं, और अभी ना ये सुबह बनारस जो बना है, यहाँ से थोड़ा ये साइड आगे चलते हैं, ये साइड देखते हैं कितना दूर तक जाने लायक है। ये देखिए यहाँ पे नहा रहे हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं लोग। वो रस्सी बांधा हुआ है, उसके आगे नहीं नहाना है क्योंकि पानी बहुत गहरा है, गहराई है आगे। इधर भी सारी दुकानें लगी हुई हैं, ये देखिए मैगी के, नींबू पानी, चाय, नींबू वाला चाय, ये सारे। ये साइड भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देखिए इधर। इधर थोड़ा क्लाउड कम है, मतलब कुछ कुछ लोग हैं उधर, और मेन अस्सी घाट पे तो बहुत सारे लोग हैं। इधर आगे जाएंगे तो मुझे लगता है कि रविदास घाट तक आप जा सकते हैं ये साइड में, ठीक है। बाकी उस साइड तो कहीं भी आगे नहीं जा पाएंगे, इस साइड रविदास घाट तक जा सकते हैं क्योंकि इधर से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे अस्सी घाट से रविदास घाट जाने के लिए अभी जा सकते हैं। अभी रास्ता है, नीचे से भी जा सकते हैं। अगर पानी अगर नीचे भर जाएगा थोड़ा, इधर से जा सकते हैं तो ऊपर से जा सकते हैं। इधर से काफ़ी सारे लोग ऊपर से जा रहे हैं, फिर भी हम नीचे से चलेंगे क्योंकि अभी नीचे से जाने लायक थोड़ा सा है। आगे है उधर रविदास घाट, ठीक है। ये देखिए अलकनंदा क्रूज यहाँ पे लगी हुई है, उसके बगल में भी एक है, 3 क्रूज यहाँ पे लगी हुई है। ये रविदास घाट से मिलता है क्रूज। और इधर देखिए
इधर घाट के नज़ारे देखिए, सारे घाट मतलब धुंधला दिख रहा है पानी की वजह से, और पानी भी कितना बढ़ गया ये देख सकते हैं। तो अगर 80 घाट से रविदास घाट आना चाहते हैं या फिर रविदास घाट से 80 घाट जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मतलब आने जाने में ये दो घाट से घाटों का संपर्क अभी नहीं टूटा है, ठीक है, आ जा सकते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ रविदास घाट पे, चलिए बैक कैमरे से ये देखिए, मैं आ चुका हूँ रविदास घाट पे और बस इसके पीछे है संत रविदास पार्क, ये पार्क है पीछे ही संत गुरु रविदास जी के स्मरण के लिए रविदास संत रविदास पार्क बनाया गया हुआ है, जो रविदास घाट और पार्क पास में ही है। ये देखिए क्रूज लगा हुआ है, जो कि पानी ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्रूज बंद हो चुका है यहाँ पे। भेलपूड़ी यहाँ पे भी, भुट्टा भेलपूड़ी पानी पूड़ी चाय मैगी वगैरह यहाँ पे भी मिल रहा है, हर चीज़। यहाँ पे क्लाउड थोड़ा कम है ये देख सकते हैं, वाराणसी के 80 घाट थोड़ा सभी घाटों में से फेमस दो चार घाट है, जिसमें से 80 घाट एक है। और वहाँ पे गंगा आरती देखने के लिए शाम के समय आपको 7 बजे आना पड़ेगा और सुबह में 5 बजे। यहाँ पे भी एक क्रूज लगे हुए देखिए, पानी ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये क्रूज अभी चलना बंद हो गया है, नहीं तो यह क्रूज रविदास घाट से यानी कि यहाँ से और आपको नमो घाट तक लेके जाता है, यहीं से मिलता है ये। और यह है पार्क संत गुरु रविदास स्मारक एवं पार्क, ये गेट है, मेन गेट उधर है रोड के साइड, इधर घाट पे आने के लिए ये गेट बना हुआ है। कोई पार्क में आता है तो इधर घाट पे भी आएगा और इधर से भी कोई जाना चाहे तो जा सकता है। एक छोटा सा बाढ़ के समय का अपडेट वीडियो, आप लोग को कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वाराणसी का हर जगह का वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं, वाराणसी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। थैंक यू।